नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। आठ से दस घंटे के पावर कट के लिए रहे तैयार नेशनल पावर ग्रिड, डीवीसी से बिजली आपूर्ति कम। पावर प्लांट में कथित तौर पर कोयले की कम उपलब्धता का असर दिखने लगा। नेशनल ग्रिड और दामोदर घाटी निगम से बिजली की कम आपूर्ति का शहर में व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। बिजली की कम सप्लाई की वजह से कुल मिलाकर 8 से 10 घंटे तक पावर कट लगाना पड़ा। इससे आम लोगों के दैनिक जीवन में बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सोमवार को भी लोड शेडिंग के चलते लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ा। हालांकि 4 से 5 घंटे तक ही लोड शेडिंग करने का दावा किया जा रहा है। झारखंड में आज से खुलेंगे पंडालों के पट, माँ दुर्गा के दर्शन से पहले जान ले ये बातें। राजधानी रांची दुर्गोत्सव के रंग में रंग चुका है। सोमवार शाम को बेलवरण अनुष्ठान के बाद शहर के सभी दुर्गा पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं भक्तों को भीड़ भी पंडालों और मां शक्ति के दर्शन के लिए निकलेगी। मंगलवार को नव पत्रिका प्रवेश के साथ मां की आराधना शुरू हो जाएगी। बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में अगले दो दिन से हो सकती है बारिश, जानिए देश के मौसम का हाल। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के क्षेत्र के चलते आगामी दो दिनों में देश के मध्य और तटवर्ती भागों में भारी बारिश हो सकती है, यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। इस बीच वापस हो रहे दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी आने वाले दो दिनों में बारिश हो सकती है। पहली चक्रवाती दबाव अंडमान के नज़दीक उत्तर में बन रहा है, वहाँ से यह पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके आंध्र प्रदेश के तट पर 3-4 दिनों में पहुंचने की आशंका है। इसके चलते तटवर्ती इलाकों में सामान्य बारिश और तेज हवा चल सकती है। झारखंड में जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली, छात्र भुगत रहे खामियाजा, 9वीं और 11वीं के नहीं शुरू हो सका रजिस्ट्रेशन। राज्य के हाई और प्लस टू स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अब तक शुरू नहीं हो सका है। हर वर्ष अक्टूबर की शुरुआत से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नहीं रहने की वजह से यह शुरू नहीं हो सकी है। झारखंड में उग्र हुए प्रदर्शनकारी, मचाया उपद्रव तो पुलिस ने चलाई लाठी, 2 DSP समेत 2 दर्जन जख्मी। हजारीबाग के कटम साड़ी में रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस ने जमकर झड़प हुई। इस दौरान आंदोलनकारी ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, साथ ही वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी, 2000 करोड़ की इन सड़क परियोजना पर काम हुआ शुरू। झारखंड में सड़कों को दुरुस्त करने और मजबूतीकरण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और अगले 1 से 2 महीने तक बहुत सड़कों की स्थिति बदली बदली दिखेगी। इन सड़कों के लिए सड़क निर्माण विभाग ने पहले ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब सड़कों पर काम शुरू होने वाला है। राजधानी रांची में भी 150 करोड़ रुपए में से अधिक की परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर कम राशि खर्च होती जा रही है। झारखंड में अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए वकील करेंगे आंदोलन, ऐसे चल रही है आंदोलन की तैयारी। झारखंड के वकील आंदोलन के मूड में है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं करने और नए हाईकोर्ट परिसर में वकीलों को पर्याप्त चैम्बर और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पर वकील आक्रोशित हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 21 अक्टूबर तक सरकार ने इन दोनों बिंदुओं पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो किसी भी दिन वकील न्याय कार्य का बहिष्कार करने के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। झारखंड में 59.23 में से 8.88 लाख घरों तक ही पहुंचा जल जीवन मिशन, रामगढ़ अव्वल तो इस जिले की स्थिति सबसे खराब। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक झारखंड के 59.23 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
पेयजल स्वच्छता विभाग के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक सिर्फ 8.88 लाख घरों तक जल की नल से जल पहुंच पाया है। झारखंड इस योजना में राष्ट्रीय औसत से लगभग 28% पीछे चल रहा है। प्रगति का राष्ट्रीय औसत 43.23% है और वही राज्य की प्रगति का औसत 15.12% है। दुमका से हावड़ा के लिए चली मयूराक्षी ट्रेन, सांसद सुनील सोरेन ने दिखाई हरी झंडी। रविवार को कोलकाता के लिए दुमका वासियों का एक और नई ट्रेन की सौगात मिली। पहले से चल रही हावड़ा रामपुर हाट पैसेंजर ट्रेन को दुमका तक विस्तार करते हुए इस ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील कर दिया गया है। रविवार को दुमका रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर दुमका हावड़ा उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हावड़ा के लिए रवाना किया। इस मौके पर आसनसोल डिवीजन के DRM परमानंद शर्मा भी मौजूद थे। सांसद सुनील सोरेन ने दुमका रेलवे स्टेशन पर VIP लाउंज का भी उद्घाटन किया। दुमका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन दुमका और हावड़ा से चलेगी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्गा पूजा से पहले दुमका लोकसभा क्षेत्र को 2 सौगात देने का उसे आश्वासन दिया था, उसे रेल मंत्री ने पूरा किया। सांसद ने कल दुमका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की टाइमिंग की सराहना करते हुए कहा कि दुमका वासियों के लिए यह ट्रेन काफी उपयोगी साबित होगा।